कितनी परसेंट औरतें हर झगड़े में पुरानी बातें लेकर आ जाती हैं? आशा तो नीचे चली गई है, आशा का हमको परसेंटेज पता है। तो देखते क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। अच्छी ऑनेस्टी है। Let's see, gentlemen, how honest you are. हम तो पैदा ही ऑनेस्ट हुए थे। सेम टू सेम। 80%। अच्छा मुझे बताइए, जब मैंने ये सवाल पूछा था तो आप अचानक सुनते ही ऐसे नीचे क्यों चली गई थी? मुझे लगा मैं जमीन में घुस जाती हूँ, क्योंकि इस बारे में क्या ही बहस करें ना, सबको पता है। वी डू दैट। और जो इस बारे में क्या बहस करें, और जो हम सह रहे हैं इतने सालों से, ऐसा कोई कि सह रहे हैं, तुम कौन हो भाई? तुम्हें पता है तुम कितने अत्याचार करते हो? प्लीज, ये गलत है, ये गलत है। पास्ट को लेके आना बीच में गलत नहीं है? बड़े बेचारे हो तुम तो। ये पास्ट का जो सवाल है कि अगर आप पास्ट में जाओ तो मतलब वो पास्ट क्या होता है? दो दिन पहले जो हुआ था या पिछले हफ्ते आपने किया? Years! था? Years and years. उनका बस चले तो हमारी सात पुश्तों पीछे चले जाए। नहीं, मेरा ऐसा नहीं। पास्ट मैं पर्सनली इतना नहीं लेकर आती हूँ। देवी देवी देवी, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो और आई एम नॉट ओवर दैट टॉपिक येट, तब लाऊंगी। नहीं नहीं, लेकिन पास तभी आता है अगर पिछला इशू रिजॉल्व ना हो। हाँ नहीं, that doesn't matter for me. बात वहां शुरू होगी। आपको पता है जब हम पहली बार मिले थे आपने ये कहा था मेरे को, और आज आप वो नहीं कर रहे? अरे 5-6 साल हो गए। अरे सब तो मुझे पता भी नहीं था कि तू कौन है। आई थिंक इट्स ट्रू। या यू डोंट थिंक सो? आई एम नॉट लाइक दैट। करिश्मा झूठ बोल रही है। आई स्वेयर, मैं तो सच्चाई की मूरत हूँ। सच्ची में इतनी ब्लंट हूँ कि मैं बोल दूँ। बहुत कम होता है, मैं बोलूँ ना 5 या 10%, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अंदर से रिजॉल्व नहीं हुआ है तो मैं शायद निकालूंगी। तब तक तो मेरा रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी हो गया होता है। बट मुझे लगता है लड़के सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं। अग्री है ना? दैट इज ट्रू। आई अग्री विद आशा। नहीं नहीं नहीं, सेम थिंग। इफ यू डोंट रिपीट दैट प्रीवियस थिंग, वी वोंट थिंक अबाउट। अगर हम लोग रिपीट ना करें तो आप बोलोगे तुम बदल चुके हो। एग्जैक्टली, हर जगह में लड़के फंसते हैं ना। हाँ। जनीलिया, आप प्लीज कुछ शेयर करो ना, बताओ ना ऐसे, आई एम श्योर कुछ होगा। मैं बताता हूँ, हम लोग झगड़ा नहीं करते। बिकॉज रितेश डजंट फील लाइक फाइटिंग। आई डोंट फाइट, आई डोंट गेट इनटू आर्गुमेंट। मैं आर्गुमेंट में जाता, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन या स्लीप, टू थिंग्स। ईदर इट्स अ डिस्कशन इफ आई वांटेड टू बी अ डिस्कशन, और इफ आई एम एंग्री ही विल से ओके आई एम जस्ट स्लीपिंग फॉर सम टाइम। आपने निर्वाणा अटेन कर लिया है। हैप्पी मैरिज। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभी डिस्कशन में कुछ ऐसी चीजें बोल देती है तो मुझे बोलना पड़ता है, बट बेबी उस वक्त तो डायनोसर्स थे। मतलब हम लोग तो थे ही नहीं। Exactly. यही तो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बट यार, तुम सुधरते भी तो नहीं हो ना, क्या करें, हम पुरानी बात लानी पड़ती है। उस बात पे तुम 10 बार लड़ चुके हो, उसके बाद भी क्यों? तो फिर लड़ेंगे और 10 बार और लड़ेंगे। ये डिबेट तो चलता रहेगा, लेकिन इंडिया की सोच बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट दिखाना चाहता हूं। ये फन फैक्ट है कि दुनिया की सबसे पुरानी दबी हुई चीजें जो ढूंढने का जो हुनर है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों में। एक्चुअली में लेकिन लड़कियों को देखो ना, यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी ढूंढ ली भाई। कुछ भी। अच्छा ये एक्सप्रेशन क्या है पता? अभी तो शुरुआत है, खत्म नहीं हो रहा। On that note, I think we all agree that women do bring back a lot of the past. Yes. We agree. But let's see what India has to say. 40-50-60-70 70% करिश्मा, वेल डन, यू आर क्लोजेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम स्कोर है, पर नॉट बैड। या कम ऑन, लेट्स डू इट। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। वॉच प्ले विन नाउ।